आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम सुहागे के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इसे यूज़ करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। कई ऐसे रोग होते हैं जो घर में आसानी से सुहागे की मदद से ठीक हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कहाँ का यूज़ हो सकता है। सुहागे को आयुर्वेद में टंकण भस्म कहा जाता है और केमिकल की भाषा में बोरेक्स और सोडियम टेट्राबोरेट बोला जाता है। इसमें सूजन को कम करने वाली यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। इसके चलते यह बलगम को पिघलाकर निकालने में बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके गुणकारी असर से आपको कई तरह के रोगों से आराम मिल जाता है। तो आइए इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है, आप तवे पर सुहागे को सेक कर पीस लें। इसे चुटकी भर एक घूंट गर्म पानी में घोलकर रोजाना 4 बार पीने से आपका जो जुकाम है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपका बच्चा रात में सोते हुए अचानक से रोने लगता है और दही की तरह उल्टी करता है या उसको दस्त लग गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, भुना हुआ सुहागा लेना है सिर्फ एक चुटकी भर और उसको दूध में घोलकर 2 बार बच्चे को पिलाना है। इससे बहुत जल्दी आपको लाभ होगा, इट मीन्स बच्चे को लाभ होगा। ऐसा करने से जो बच्चा है उसका पाचन तंत्र ठीक हो जाता है और इन सब में उसको फ़ायदा मिलता है। नंबर 2, अगर आपको तिल्ली जिसे स्प्लेंटिस भी बोला जाता है से संबंधित अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपकी तिल्ली सिकुड़ जाती है और आपको तकलीफ होती है। इसके लिए आपको 30 ग्राम भुना हुआ सुहागा और 100 ग्राम राई को पीसकर मैदे की छलनी से छान लें। इसे आधा चम्मच रोजाना 2 बार पानी से फकी लें। ऐसा करने से आपकी तिल्ली सामान्य हो जाएगी। नंबर 3, चर्म रोग। अगर आपको किसी भी तरह का कोई चर्म रोग होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुहागा इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। आपको चर्म रोग के साथ स्थान पर सुहागे का तेल लगाना है। ऐसा कुछ दिनों तक करने पर आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और आपको जो चर्म रोग है वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4, आँख आना। जिन लोगों की आँख आ जाती है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आँख आने पर सुहागा और फिटकरी को एक साथ पानी में घोल बनाकर आँख को धोने और बीच बीच में बूंद बूंद यानी कि आई ड्रॉप्स की तरह आँखों में डालने से बहुत जल्दी लाभ होता है। यह आपकी आँखों को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। नंबर 5, दमा। दमा एक बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए आपको लगभग 75 ग्राम भुना हुआ सुहागा 100 ग्राम शहद में मिला के सोते समय 1 चम्मच की मात्रा में लेकर चाटने से दमा में बहुत लाभ होता है। नंबर 6, आँखों का दर्द। आँखों के दर्द के कारण आप कहीं सुकून से बैठ नहीं पाते, ये काफ़ी बेचैन करने वाला होता है। इसको सही करने के लिए भुने हुए सुहागे को पीसकर कपड़े में छान लें और सिलाई से सुबह और शाम को अपनी आँखों में लगाएं। ऐसा करने से आपकी आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नंबर 7, काली खांसी। बच्चों को हमेशा काली खांसी अमूमन होती रहती है। ऐसा होने पर बिल्कुल भी ना घबराएं। तवे पर भुना हुआ सुहागा व वंशलोचन को मिलाकर शहद के साथ रोगी बच्चे को चटाने से काली खांसी दूर हो जाती है। ये एक बहुत घरेलू उपाय है और इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। नंबर 8, पायरिया। दांतों का रोग अगर हो जाए तो ज़िंदगी बेस्वाद हो जाती है। अगर आपको पायरिया हो जाता है तो आप सुहागा एवं हरी बोल यानी हीरा बोल को मिलाकर रोजाना 2 से 3 बार मसूड़ों पर धीरे धीरे मलें। इसे दांतों व मसूड़ों के सभी रोग ठीक होकर पायरिया के रोग को दूर करते हैं। ये आपको पूरी तरह से राहत देता है। नंबर 9, मुँह के छालों के लिए सुहागा एक बहुत अच्छा उपाय है। इनमें जीभ या मुंह के साथ साथ गले में सूजन भी शामिल है। यह प्रभावित हिस्से से टॉक्सिक पदार्थों को निकालकर सूजन को कम करता है और इसको यूज़ करने से बहुत जल्दी जुड़े हुए दर्द भी ठीक हो जाते हैं। नंबर 10, सुहागे को नारियल तेल या सरसों के तेल के साथ स्कैल्प पर लगाकर रूसी के इलाज में मदद करता है। आधा चम्मच बोरेक्स को नारियल तेल में मिक्स करके स्कैल्प पर लगाएं। इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए इसके पेस्ट में नीम के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं। यह स्कैल्प की खुजली भी कम करता है। 3 से 5 मिनट के लिए मालिश करें। इसे 15 से 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें और फिर उसके बाद शैम्पू के साथ धो लें। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।